तो आज हम बनाएंगे सिंघाड़े की एक ऐसी रेसिपी जिसे शायद ही आपने पहले कभी खाई हो, क्योंकि सिंघाड़े को फल की तरह खाते हैं, लेकिन इससे आप एक बहुत ही मसालेदार चटपटी सब्जी भी बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1/2 kg सिंघाड़ा ले लिया है और अब हम इसे इस तरीके से छीलेंगे, क्योंकि इसका जो छिलका होता है वो बहुत ही टाइट होता है। तो इस तरीके से हम इसे नाइफ की हेल्प से छील लेंगे। और यहाँ पे मैंने सिंघाड़ा को छील लिया है, लेकिन इसमें एक वाइट कलर का परत होता है, हम इसे नाइफ की हेल्प से इस तरीके से निकाल लेंगे। और इसके बाद आप इसे अपने पसंद की किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे सिंघाड़ा को छील लिया है और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ततो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार ले लिया और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को रफली चॉप कर लिया है और यहाँ पे मैंने 5 से 6 लहसुन ले लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब मैंने यहाँ पे कुकर पे 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया जिसे बारीक कट कर लिया है और अब हम इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून बेसन। और अब हम इसे 10-20 सेकेंड्स के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। और अब मसाले भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटो प्यूरी को भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब टमाटर भी अच्छे से पक चुका है, हम इसमें जो सिंघाड़ा हमने कट करके रखा है उसे भी इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 ग्लास पानी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। और अब आप देख सकते हैं ये उबलना स्टार्ट हो गया है और अब हम इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे 2 विसल आने तक हम इसे पकने देंगे। और अब 2 विसल हो चुके हैं, हम इसमें गार्निशिंग के लिए 2 हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब धनिया भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा सिंघाड़े की मसालेदार सब्जी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।